हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आप ही के चैनल नो लॉस हेजिंग। जैसा कि आपको पता है, हम हर वीक संडे को आपके लिए एक नई स्ट्रेटेजी लेके आते हैं। तो इस बार जैसे कि डिमांड थी, जैसे मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाला था किस टॉपिक पे होना चाहिए, तो आपने इंट्राडे स्ट्रेटेजी के बारे में बताया था, तो मैं इंट्राडे स्ट्रेटेजी पे एक नई वीडियो लेके आया हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी तरीके की स्ट्रेटेजी मिल जाएंगी, जैसे इंट्राडे लीप ऑप्शन, मंथली, वीकली, एक्सपायरी, सारी स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे वो चेकआउट कर सकते हैं। अभी बात करें हम आज की जो हमारी इंट्राडे स्ट्रेटेजी है, उसका मैंने कुछ दिन का बैक टेस्ट करके रखा है, तो एक बार देख लेते हैं क्या रिजल्ट रहा है, किस तरीके से वो स्ट्रेटेजी काम करेगी। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी बीच में स्किप नहीं करना है, क्योंकि काफी अच्छी वीडियो होने वाली है, बहुत ही सिंपल वीडियो रहेगी। अभी चलते हैं हम अपने बैक टेस्ट रिजल्ट की तरफ, जो हमने बैक टेस्ट किया है उसको देखते हैं कैसा रिजल्ट रहा है। अभी जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने लास्ट चार दिन का बैक टेस्ट किया है, जैसे 13 मई 14 मई 15 17 मई, और ये उसका रिजल्ट रहा है। जैसे 13 मई को क्या हुआ है, हमें 6800 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जो कि 1.7% है हमारी कैपिटल का, और जो 14 मई को हुआ है वो नियरली 5175 है, जो कि 1.3% के समथिंग है, और जो 15 मई को प्रॉफिट हुआ है 5425 हुआ है, जो नियरली 1.3% के समथिंग, जो 17 मई को हुआ है वो नियरली 2350 हुआ है, जो कि 0.5% के समथिंग। तो ये हमारे रिजल्ट रहे हैं, ये हमारे इंट्राडे जो स्ट्रेटेजी है उसके रिजल्ट है, इंट्राडे के रिजल्ट है। ये जो पीएनएल परसेंटेज आपको दिख रहा है ये इंट्राडे का है। तो अब हम चलते हैं अपनी स्ट्रेटेजी की तरफ, देखते हैं आखिर क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से हमें वो स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं एक बार। अभी हम आ गए स्ट्रेटेजी की तरफ, जैसा कि आपको देख रहा है ये यहाँ पे क्या है, निफ्टी के लिए ये स्ट्रेटेजी इंट्राडे स्ट्रेटेजी होने वाली है, और इसको सभी वर्किंग पीपल या नॉर्मली है सब कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, काफी सिंपल स्ट्रेटेजी रहने वाली है और बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। अब स्ट्रेटेजी की बात करें, जो इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो नियरली 40,000 के समथिंग रहेगा। ठीक है, हमारा मैक्सिमम 40,000, और किसी में थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है, ब्रोकर टू ब्रोकर थोड़ा डिफर करेगा। एंड जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस रखेंगे हम, मान लीजिए आपकी कोई एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, उसके लिए हम 1% स्टॉप लॉस रखेंगे अपनी कैपिटल का। ठीक है, जितनी कैपिटल डिप्लॉय हो रही है उसका 1% आप रखेंगे। उसके बाद जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट डिपेंड करेगा कितना आपका प्रीमियम अवेलेबल है उस टाइम पे। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा, टारगेट हमेशा की तरह हमारा जो इमोशन के अकॉर्डिंग रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपको लगता है कि इंट्राडे में 1% मिल रहा है वो सफिशियंट है, अगर आपको 0.5% मिल रहा है वो आपके लिए सफिशियंट है, तो वहां पे बुक कर लो, तो उस तरीके का हमारा रहे। एंड आगे स्ट्रेटेजी में बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आगे मैं इसमें टेलीग्राम में काफी एक्टिव रहने वाला हूं, बहुत सारी चीजें शेयर करने वाला हूं। अभी बात करते हैं हम स्ट्रेटेजी की। स्ट्रेटेजी में बात करने से पहले, जैसे आप सब लोगों को पता होगा, जैसे कोई भी स्ट्रेटेजी है तो सबसे ज्यादा जो उसमें प्रॉफिट होता है वो होता है जब आप स्ट्रेटेजी को एटीएम पे बनाते हो। तो एटीएम पे ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी कौन सी बनाते हैं, तो वो बनाते हैं हम शॉर्ट स्ट्रैडल। जैसे आपको पता होगा कि शॉर्ट स्ट्रैडल में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन उसको हैंडल किस तरीके से करना है, मेन प्रॉब्लम वहां पे आती है, तो वही चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अभी आपको ये नहीं करना है कि मैंने शॉर्ट स्ट्रैडल बोल दिया तो आपको ये वीडियो छोड़ देनी है, नहीं, ये शॉर्ट स्ट्रैडल नहीं रहेगा, इसमें काफी चीज रहने वाली है, वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। अभी बात करते हैं हम स्ट्रेटेजी की, किस तरीके से हम स्ट्रेटेजी करने वाले हैं। अभी जैसे करंट प्राइस चल रहा है 22,466 रुपए, इसमें क्या रहेगा, अभी हम जैसे शॉर्ट स्ट्रैडल सेल करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एटीएम रहता है, जैसे 22,450 का एटीएम है तो उसका मैंने कॉल सेल कर दिया, 22,450 का पुट सेल कर दिया, ये हमारा करना है एक एक लॉट दोनों सेल कर दिए, ये हमारा हो गया शॉर्ट स्ट्रैडल। अब इसमें आपको पता है कि एटीएम पे शॉर्ट स्ट्रैडल आपने बना दिया तो इसमें बेनिफिट क्या होगा, आपको डिके का बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन हम जो इंट्राडे में ये पोजीशन बना रहे हैं तो इसको हेज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हेज करने के लिए हम नेक्स्ट वीक में जाएंगे, नेक्स्ट वीक की कॉल और पुट बाय करेंगे। अब वो कौन सी बाय करेंगे वो हम स्टॉक मॉक में देखेंगे। एक बार चलते हैं स्टॉक मॉक की तरफ, देखते हैं कब ये स्ट्रेटेजी आपको डिप्लॉय करनी है, किस तरीके से करनी है, वो सारी चीज हम देखते हैं। तो चलिए एक बार स्टॉक मॉक में देख लेते हैं। अभी आ गए हम स्टॉक मॉक के अंदर, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने निफ्टी ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। अब बात करते हैं ये स्ट्रेटेजी हमें कब नहीं करनी है, जैसे ये इंट्राडे स्ट्रेटेजी है तो हमें कब डिप्लॉय नहीं करनी है, हमें ये सिर्फ जो हमारी एक्सपायरी रहेगी उस दिन
डिप्लॉय नहीं करनी है, बाकी आप नॉर्मल डेज में कभी भी डिप्लॉय कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे देखते हैं, हम यहाँ से 13 से मैंने बैक टेस्ट करके दिखाया, तो 13 से मैं करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब टाइमिंग क्या रहेगी इसकी, किस टाइम हमें डिप्लॉय करनी है, तो ये हम डिप्लॉय करेंगे नियरली 10 o'clock के समथिंग। 13 तारीख ले लिए मैंने, 10 बजे का यहाँ पे टाइम ले लिया है। अभी यहाँ पे हमें करना क्या है, जो भी हमारा ATM है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 21,860 चल रहा है, तो 850 हमारा ATM हो गया। तो ATM पे हमें क्या करना है, दोनों कॉल और पुट को सेल कर देना। ये हमने कॉल पुट सेल कर दिया, ये हमारा शॉर्ट स्ट्रेडल हो गया, जैसे आपको पता होगा। अब इसको हम हैज किस तरीके से करेंगे, जिससे क्या है हमारा जो अगर कुछ बड़ा मोमेंटम आए तो वहाँ पे हमें कुछ लॉस ना हो। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक में जा रहे हैं, तो वहां से नियरली 500 पॉइंट दूर जा रहे हैं। 500 पॉइंट कॉल की तरफ जाके बाय करना है और 500 पॉइंट दूर जाके पुट की तरफ बाय करना, ये हमारी हो गई स्ट्रेटेजी। अब उस स्ट्रेटेजी में हमें किस तरीके से इंट्राडे में प्ले करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी सेलिंग साइड है, जैसे मैं एक सेकंड के लिए हाइड कर देता हूँ, यहाँ पे क्या है जो हमारी सेलिंग साइड है, सेलिंग साइड में हम क्या है 30% का स्टॉप लॉस रखेंगे अपने प्रीमियम का, जो हमने प्रीमियम पे एंट्री करी है उसका 30% का यहाँ पे स्टॉप लॉस पुट करेंगे। जैसे ही मान लीजिए अभी यहाँ पे मान लीजिए कॉल साइड का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, तो उसके बाद क्या करेंगे, जितना पुट साइड का प्रीमियम रहेगा, जैसे यहाँ पे अभी 140 है, ठीक है, उस टाइम पे मान लीजिए 100 रुपए प्रीमियम बचता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 100 रुपए वाला कॉल दोबारा से सेल कर देंगे। लेकिन जो हमारी बाइंग लेग है उनमें हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है, उसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें सेलिंग साइड में स्टॉप लॉस पुट करना है, और जो नई पोजीशन हम सेलिंग साइड में लेंगे उसमें भी 30% का स्टॉप लॉस पुट करेंगे। तो ये हमारी इस तरीके की स्ट्रेटेजी रहने वाली है। अब मैं इसको आगे फॉरवर्ड कर करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके का हमें इसमें रिजल्ट मिल सकता है। मैं यहाँ पे 15 मिनट का आगे फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ, यहाँ पे हमें 30% का स्टॉप लॉस रहेगा दोनों सेल साइड की पोजीशन में। मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ 15 मिनट, देखते हैं कहाँ पे हमें 30% मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो 24% हो गया। मैं इसको थोड़ा आगे करता हूँ और थोड़ा पीछे करता हूँ जहाँ पे 30% के आसपास है, यहाँ पे देखिए 31% का लॉस चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट करूंगा, और अभी जो मेरे दूसरी साइड है पुट साइड में 84 रुपए का प्रीमियम है, तो मैं कॉल साइड में क्या है 84 के आसपास वाला जो प्रीमियम रहेगा वो मैं सेल करूंगा। 84 के आसपास वाला नहीं है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, 78 है तो 78 वाला सेल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा से हाइड कर रहा हूँ, और इसमें जो हमने नया सेल किया है इसमें भी हमारा 30% का स्टॉप लॉस रहेगा। इस बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी है, आपको कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। अब इसके बाद में फिर दोबारा 15 मिनट से आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। अब जैसे मैंने आपको रिजल्ट दिखाया था वो 10 lot से दिखाया था, जो मैंने बैक टेस्टेड रिजल्ट दिखाया, तो मैं यहाँ पे 10 lot से कर देता हूँ और 15 मिनट से आगे करता हूँ। अभी यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे देखिए 0.7% का आपको प्रॉफिट चल रहा है, और आपने जो न्यू पोजीशन सेल की है उसमें 27% का लॉस हो गया, मतलब 30% का हमारा स्टॉप लॉस होता है। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे अभी हमारी क्या है पोजीशन बिल्कुल सेंटर में है और जो ब्लू लाइन है वो भी हमारी काफी अच्छी है, तो यहाँ पे हमारी जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करें, जो हमारा 30% स्टॉप लॉस है उसको काट के हम न्यू पोजीशन लें, वो जरूरी नहीं है क्योंकि हम सेंटर में। अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर होते हैं तो वो एडजस्टमेंट करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि मार्केट एक साइड में मूव कर रहा है, अभी साइडवेज मूव कर रहा है, तो आपको वो करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे 15 मिनट से आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और आगे फॉरवर्ड करते हैं, देखते हैं नियरली यहाँ पे 0.9% का आपको प्रॉफिट हो रहा है और 2 बज चुके हैं। मैं और आगे फॉरवर्ड करता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए वैसे तो आपका 90% हो गया, लेकिन क्या है हम प्रॉफिट ले वाले हैं, मतलब हम प्रॉफिट में है ऑलरेडी 1% के, और यहाँ पे 2.5 बज चुके हैं, तो अब इसमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है हमें। और अगर आप बुक करना चाहें तो बुक भी कर सकते हैं यहाँ पे। मैं और 15 मिनट से आगे फॉरवर्ड करता हूँ, मैं डे एंड ईओडी कर देता हूँ, तो ईओडी में देखोगे तो नियरली 1.5% का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है स्ट्रेटेजी। तो इस तरीके से आपको ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी, काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है, वोलेटाइल हो या नॉर्मल मार्केट हो सभी में काम करेगी। ये हो गया, अब नेक्स्ट, अभी मैं आपको नेक्स्ट डे के लिए करके दिखाता हूँ। जैसे 14 तारीख है, हम यहाँ 10 बजे का टाइम ले लेते हैं, और हमें क्या करना था, जैसे मैंने बताया था सिंपली आपको क्या ATM शॉर्ट करना है, कॉल पुट दोनों, उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपायरी है उसमें 500 पॉइंट दूर जाना है, 500 पॉइंट दूर बाय किया और इधर के हम 500 पॉइंट दूर बाय कर लिया। ये मैं कर देता हूँ हाइड, और यहाँ पे कर लेता हूँ मैं 10 lot में, जिस तरीके से मैंने दिखाया था आपको बैक टेस्टेड रिजल्ट। अभी यहाँ पे क्या है, जो हमारा 120 और 108 का प्रीमियम, इसमें 30% का हमारा स्टॉप लॉस है, जैसे मैंने पहले बताया था। मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ, देखते हैं हमारा 30% कहाँ पे दिखाई देता है, मैं वहां पे पोजीशन एग्जिट करूंगा और आगे फॉरवर्ड करते हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे 0.5% का प्रॉफिट हो रहा है, और इधर साइड का भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो हम आगे और फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पे मैं बैक करता हूँ, यहाँ पे 30% का हो गया है स्टॉप लॉस हिट, और आगे फॉरवर्ड किया, यहाँ पे 36
16 मान लीजिए, मेरा ये प्रीमियम था 140-142 कर देता हूँ मैं, जो हमारा 30% का स्टॉप लॉस है, क्योंकि वो तो हम पहले प्लेस करके रखेंगे ना, यहाँ पे मैंने वो एग्जिट कर दिया। और इसके बाद क्या है, जो 73 प्रीमियम है, इतना हमें सेल करना है कॉल साइड में। यहाँ पे जाता हूँ उसी एक्सपायरी में, 73 वाला प्रीमियम हम सेल करेंगे, 69 अवेलेबल है, तो हमने 69 कर दिया, ये ऐड कर दिया। अभी जो हमारी स्ट्रेटेजी है कुछ इस तरीके की दिख रही है। अब इसमें भी हम देखिए, अभी इसमें 30% स्टॉप लॉस है, लेकिन अगर ये सेंटर में ही रहता है और ये 30% आता है, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है उसमें एडजस्टमेंट करने की। यहाँ पे 15 मिनट से आगे फॉरवर्ड करता हूँ, और आगे फॉरवर्ड किया, यहाँ पे 0.6% का प्रॉफिट चल रहा है आपको इंट्राडे में, और आगे फॉरवर्ड किया, और आगे फॉरवर्ड किया, देखते हैं हम कितना प्रॉफिट मिल पाता है हमें डे एंड तक। मैं यहाँ पे गया और ईओडी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ईओडी में देखेंगे तो नियरली 1.1% तो आपको प्रॉफिट यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, तो काफी इजी स्ट्रेटेजी है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है इसमें। अभी मैं नेक्स्ट डे के लिए आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने 15 तारीख सिलेक्ट कर ली है और 10 बजे का यहाँ पे मैंने टाइम ले लिया है। हमें क्या करना है, सिंपली सेल करना है एटीएम पे कॉल एंड पुट, और नेक्स्ट एक्सपायरी है जो, उसमें हमें 500 पॉइंट दूर जाके बाय कर लेना है। 500 पॉइंट दूर जाके ये हमने बाय कर लिया है, ये हमारी सिंपल हो गई। और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, इसको हाइड कर लेता हूँ। इसमें जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो हमारे सेम रहेंगे 30% के, जैसा मैंने बताया था। अभी यहाँ पे क्या है, मैं इसको 15 मिनट से आगे फॉरवर्ड करता हूँ। यहाँ पे आगे फॉरवर्ड किया, यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट ने काफी बड़ा मोमेंटम दे दिया, और हो सकता है आपका जो जो विक्स है वो डाउन हो गया होगा, जिसकी वजह से आपको लॉस दिखा रहा है यहाँ पे। अगर आप बुक करना चाहें स्टार्टिंग में बुक कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपको लॉस हो रहा है कि मान लीजिए 12-1 बजे के बाद, तो वहाँ पे बुक करना स्टार्टिंग में उसको अवॉइड कीजिए। स्टार्टिंग में क्या रहेगा, जैसे आप यहाँ पे देखोगे जो आपका 1% रिस्क है, उससे पहले ही आपका जो पुट है उसका 30% वाला जो स्टॉप लॉस जो क्राइटेरिया है वो ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30% के आसपास जाके हम ये पोजीशन अपनी एग्जिट कर देते हैं। जैसे 28 है, मैं यहाँ पे ये पोजीशन अपनी एग्जिट कर रहा हूँ। यहाँ पे एग्जिट करने के बाद जो हमारा कॉल साइड का प्रीमियम है, कॉल साइड का जो हमारा प्रीमियम है वो 68 है, तो हम 68 वाला दोबारा सेल कर देंगे। 68 इधर अवेलेबल है, हम 72 कर देते हैं उसके आसपास वाला ये, और यहाँ पे मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, और जो हमारी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके की दिखेगी अभी। और मैं यहाँ से 15 मिनट से आगे फॉरवर्ड करता हूँ, और इसमें फिर दोबारा से हमारा 30% का स्टॉप लॉस रहेगा। मैं 15 मिनट से आगे फॉरवर्ड करता हूँ। यहाँ पे देखिए, जो हमारा पहले 1% से ऊपर का लॉस हो रहा था, अभी 0.6% हो गया है। तो आपको स्टार्टिंग में वो चीज अवॉइड करनी है, बुक ना करें। अभी यहाँ पे मैं और आगे फॉरवर्ड करता हूँ, 15 मिनट से आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी देखेंगे आपका जो लॉस था वो 100 कवर हो गया और आप प्रॉफिट में आ चुके हैं। 15 मिनट से और आगे फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक है, आप देखिए अभी 0.7% का आपको क्या है, प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे आप लॉस थे उसमें कन्वर्ट हो गया प्रॉफिट में। मैं 15 मिनट से और आगे फॉरवर्ड करता हूँ, यहाँ पे ईओडी ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ईओडी में क्या है, आपका 1.8% का आपको प्रॉफिट हो गया, जहाँ पे आपको मॉर्निंग में 1% का लॉस दिखा रहा। तो इस तरीके से आप वो चीज हैंडल कर सकते हैं। अभी ये हो गया, अभी मैं नेक्स्ट डे के लिए करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने बताया था एक्सपायरी वाले दिन नहीं करना है, तो हम नेक्स्ट डे करके दिखा रहे हैं। उस दिन क्या होगा, हम 10:00 पे एंट्री लेंगे। 10:00 पे क्या है, 22,400 एटीएम, 22,400 पर कॉल पुट सेल कर दिया हमने। इसके बाद क्या है, जो नेक्स्ट एक्सपायरी उससे 500 पॉइंट दूर जाके हमें बाय करने हैं, दोनों साइड में, कॉल साइड में भी पुट साइड में। यहाँ पे मैंने हाइड कर दिया और ये मैंने 10 लॉट सेलेक्ट कर लिए। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो जो कॉल पुट का प्रीमियम है, जैसा कि मैंने बताया था 30% स्टॉप लॉस है आपका, वो आपको पता है। यहाँ पे मैं 15 मिनट से आगे फॉरवर्ड करता हूँ, देखते हैं हम कितना रिजल्ट मिल पाता है हमें। अभी यहाँ पे 30% किसी में भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। किसी दिन क्या होगा, आपका किसी साइड भी हिट नहीं होगा और आपको कोई एडजस्टमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी वहाँ पे। अभी यहाँ पे देखिए, कोई सी साइड का भी हिट नहीं हुआ। ईओडी कर देता हूँ। ईओडी में क्या है, आपको नियरली 1% के समथिंग का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस आपका कहीं साइड का भी हिट नहीं हुआ। तो इस तरीके की ये स्ट्रेटेजी होने वाली है, काफी इजी स्ट्रेटेजी है। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, और इस तरीके की स्ट्रेटेजी देखते रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप पहली बार आए हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।